सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्च में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, अगर अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन से गलती से पैसा अगर आपने किसी फ्रेंड या किसी के पास अगर आप गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो दोस्तों उस पैसे को रिटर्न अपने बैंक में आप कैसे लेंगे, रिफंड अपने बैंक में आप कैसे लेंगे। क्योंकि गाइस, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पैसे को यहाँ पर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट उस पैसे को अपने अकाउंट में ले नहीं पाते, रिफंड नहीं ले पाते हैं। सो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं। सो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, हम जैसे आपको बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में इजीली रिटर्न आ जाएगा। सो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आपको से वैक आना है। वैक आने के बाद में आपको अपने फोन एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे आप ऐसे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। सो दोस्तों, अब अपने जिस फ्रेंड के पास आप पैसा ट्रांसफर किए हैं, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे अपने एक फ्रेंड के पास हमें पैसा हम ट्रांसफर किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में कैसे इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे 25,000 रुपये हम ट्रांजेक्शन किए हैं, और दोस्तों यहाँ पे UTR नंबर होगा, ट्रांजेक्शन ID भी होगा। सो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, इसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे फोन पे सपोर्ट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे। सो दोस्तों, जैसे आप इसे कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आएगा, यहाँ पर 28 जुलाई 2023 अक्षय, आपके बैंक ने 25,000 की पेमेंट को स्वीकार कर लिया। मतलब दोस्तों, आप जो पेमेंट किए हैं आपके बैंक ने स्वीकार कर लिया, और यहाँ पे कह रहा है कृपया संबंधित खाते की स्टेटमेंट जांच कर ले। सो दोस्तों, आपका जो पैसा 101% ट्रांसफर हो चुका है। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में सब आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, मैंने गलत खाते में पैसा भेजा है। सो दोस्तों, अगर आप गलत खाते में पैसा भेजे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, मैंने यहाँ पे गलत खाते में पैसा ट्रांसफर किया, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सब आपको सिंपली कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में सब आपके सामने अगले इंटरफेस इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। हमें जानकर खेद है अक्षय, मतलब दोस्तों आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आएगा, और यहाँ पे कह रहा है क्षमा करें, बैंक UPI पेमेंट कैंसिल करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि ये सीधे बैंक टू बैंक यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। सो दोस्तों, आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में वापस नहीं आएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे UPI से पेमेंट किया गया है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करेंगे तो दोस्तों आपको जो पेमेंट कैंसिल नहीं होगा। बट दोस्तों, यहाँ पे नीचे सोल्यूशन दिया गया है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने बैंक के नज़दीकी शाखा में जाएं, और इस पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको मतलब दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन का जो UTR संख्या है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर दोस्तों आपका पैसा यहाँ से नहीं आ रहा, तो दोस्तों 100% यहाँ से आपका पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपने पैसे को वापस लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गलत खाते में किए गए ट्रांजेक्शन के बारे में जानिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो UTR नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे मेरे UTR कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों आपको नीचे आना, यहाँ पे लिखा गया है कि दोस्तों आपका UTR नंबर यहाँ पे आपको, तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक टिकट नंबर है, बट दोस्तों आपका UTR नंबर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको UTR नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको वैक आना है। वैक आने के बाद में कैसे आप जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं दोस्तों, जो आप जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, आपके ट्रांजेक्शन के नीचे कैसे आपको UTR नंबर मिल जाएगा। जैसे कैसे हमें जो ट्रांजेक्शन किए यहाँ पे UTR नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस UTR नंबर को आपको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा अपने बैंक में, जिस बैंक से आप ट्रांजेक्शन किए हैं आपको उस बैंक पर जाना पड़ेगा, और आपको अपने बैंक वाले से बात करना। तो दोस्तों, जैसे अपने बैंक वाले से आप बात करेंगे, तो दोस्तों अगर सब कुछ सही रहेगा, तो आपको जो बैंक वाला है, अगर वो बंदा जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए हैं, अगर वो बंदा पैसा यूज नहीं किया होगा, निकाला नहीं होगा, तो उस पैसे को होल्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपके अकाउंट में 7 डेज के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही प्रोसेस है कि अपने पैसे को अपने अकाउंट में वापस ले सकते हैं, और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। सो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है, तो दोस्तों इस तरीके से अपने अकाउंट में यहाँ पर रिफंड करवा सकते हैं, अपने अकाउंट में आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।